स्वागत करुछी मु स्वागतिका प्राकृतिक सौंदर्य भरा केरल डे विपर्जयर विभीषिका वायनाड रे होइतिबा भयंकर भूस्खलन रे गलानी 160 रु अधिक जीवन बहु लोक निखोज थिबारु चालीछि उद्धार कार्य तीन सेना सहित एनडीआरएफ टीम मोर्चा संभाळुछंती। भूस्खलन रे चारोटी गां निश्चिन्न होइ जाइथिबा पळे बहु धन जीवन नष्ट होइ जाइछि। प्रभावितंकु स्वतंत्र शिविर रे रखा जाई सुखिला और रंधा खाद्य जोगाई दिया जाउछि। इहारी मध्यरे हजि जाइथिबा गां भितरे कि परिवार लोकंकु खोजुछि त आउ के संपर्कयंकु जे बंची जाइछि से कहुछि भूस्खलनर छाती थरा कहानी। कांदुची भगवान का देश तड़पी तड़पी जाउची जीवन सुंदर जेतिकी विपत्ति सेतिकी निज देशरे भी असहाय भगवान निस्तब्ध रातिरे सबकिछि थिला सुनसान काची काची बर्षु थाए प्रबल वर्षा किए निघोर निदरे सुइथिला तो आउ किए स्वप्न देखुथिला किंतु अचानक काल मारी आसिला आउ सबकिछि निमिषके करितेला खिन खिन पहाड़ उपरू खसी पड़ा मृत्युर पथर हाय रे विधाता ए कौन है निज देश में भी भगवान आज असहाय निरुपाय ईश्वर पूरा गुमसु गॉड्स ओन कंट्री बा केरल प्राकृतिक सौंदर्य जेतिकी भरपूर विपत्तिर अभिशापरे भी सेतिकी अभिशप्त। काहीकि केरलरे एमिति ट्राजेडी हुए काहीकि हेला एते बड़ भूस्खलन ए तमाम विषय आगको आमे विस्तृत भावे कहिबु किंतु ता पूर्वरु नजर पकांतु केमिति रहिछि केरलर वायनाडर स्थिति। प्रकृतिर कराल रूपरे थरहर हो पड़िछि पूरा वायनाड। सबुजिमा हसुथिला गाँ भी हसुथिला हेले 4 घंटे तीनोटी भूस्खलन सबुकिछि ओलट पालट करदेला। नदी सुअरे भासिला शब माटी कादुअ भितरे रक्त को खोजुची रक्त किए परिवार लोकंकु खोजुची तो आउ किए संपर्कयंकु आकाश मार्गरु कैद होइथिबा चित्र ही बयान करुछि कि भली केरलर वायनाडरे होइछि मृत्यु विभीषिका। 160 रु अधिक लोकंकर जीवन गलानी। मृतकंक मध्यरे अछन्ति बहु शिशु ओ महिला। निखोजक संख्या मध्य बढ़ी बढ़ी चलीछि। बहु लोकंक परिचय मिली पारु नाही। मृतकों मध्य अनेक बाहर राज्यर अच्छा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद फ्लड्स आएगा क्योंकि बारिश का वार्निंग था फोरकास्ट था और कुछ लोग इसी वजह से वो जो छोटा सा स्ट्रीम है उससे दूर चले गए थे। फिर भी इतना बड़ा लैंडस्लाइड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इंक्लूडिंग लोकल्स और सरकार। और जब ये लैंडस्लाइड आया काफी सारे लोग भाग नहीं पाए। वर्षा कादुओ पत्थर मिसा माटी रे फासी जाइछि जिल्लार अधिकांश भाग। किए चित्कार करूथिला जीवन रक्षा पाई तो आउ किए परिवार छुआ पिलांकु बंचाइबाकु करूथिला आकुल निवेदन किंतु केही किछि बुझिबा आगरु उजुड़ी गला अनेकंक परिवार। भंगा चटाण तले कादुओ माटी भितरे जीवन फसी रहिछि जहाँ उद्धार करिबा पई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को मुतयन करा दैछि। लार्ज कंटिंजेंट ऑफ रेस्क्यू वर्कर्स आर करेंटली फैनिंग अक्रॉस द मुंडक्कई एंड अपर रीजन्स इन ऑर्डर टू सर्च फॉर सर्वाइवर्स एंड ऑल्सो टू रिकवर बॉडीज। वी हैव एट द मोमेंट 1,200 rescue workers drawn from Indian Army, the DSC Center, Territorial Army, the Fire and Rescue Department, the Forest Department, NDRF contingents. There are 4 contingents already there. Contingent from Indian Navy. We have the Air Force is flying sorties, air dropping food packets. So it's an operation where everybody is participating.
माटी तले जीवन खोजुची मनीष आहुरी बहु लोक माटी अतड़ा तले फसी रहितबार आशंका करा जाउची। सेथि पई जोरदार होइछि रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ सहित उद्धार कार्य में सामिल होइछंती तीन सेना। आकाश मार्गरु चालिछि उद्धार कार्य। जीवन को बाजी लगाई उद्धार कार्य जोरदार करुछंती सेना अधिकारी। अत्याधुनिक जंत्रपाती जरिया चली रेस्क्यू ऑपरेशन। उद्धार कार्य में 300 कर्मी नियोजित होता बेले जरूरी पाई अलर्ट रही आहुरी 140 उद्धार कर्मी। उस साइड में अप्रोचिंग अच्छा है, बस क्रॉस करने का दिक्कत है। कल शाम में उधर फूड वगैरह चला गया। उस साइड में एक रिसोर्ट है और एक मस्जिद है जिसमें कुछ लोगों को शेल्टर किया गया है। ऑफ कोर्स चूंकि रेनफॉल अलर्ट्स है तो बारिश अभी चल हो रही है। बारिश का इंटेंसिटी हाई होगा तो डेंजर हो सकता है, वाटर करंट बढ़ जाएगा, वाटर का कैपेसिटी बढ़ेगा तो चांसेस आर देयर बिकॉज स्टिल इट इज इन रेड अलर्ट। बन्या पानी रे फासी जाइछे अनेक गाड़ी, अनेक किछि क्षयक्षति होइछि। भूस्खलन परे उद्धारकारी दल सेठारे पहुंची तुरंत उद्धार कार्य करिछन्ति। लोकंकु उद्धार करि सुरक्षित स्थानकु स्थानांतर करिछन्ति। किंतु एहि भयंकर प्रलय भितरे ड्यामेज कंट्रोल करिबा आदौ सहज नुहे। तथापि वायनाड रे चालिछि उद्धार कार्य। 300-400 घर था इसका ऊपर, स्कूल था इधर थोड़ा आगे और स्कूल आगे 300 का ज्यादा घर था ये जगह पे, दूसरा जगह पे 300 घर था। अभी ये रेस्क्यू कर रहा है उन लोगों का। कितना बॉडी गया तो मर गया तो पता नहीं। केरल मुख्यमंत्री पिनराय विजयन स्थिति समीक्षा करिसंती। सरकार को मंत्री ग्राउंड रे रही उद्धार कामर तदारख करथिया बेली राजधानी तिरुवनंतपुरम रे स्वतंत्र कंट्रोल रूम खोला जाउछि। अस्थायी शिविर में प्रभावित को रखा जाई सेमानको रंधा खाद्य जोगाई दिया जाउछि। एहा सहित स्वतंत्र डाक्टरी टीम सेमानको स्वास्थ्य परीक्षा करुछन्ति। नौ बटालियन वहां पर हमने भेज दी थी और तीन कल रवाना करी है। एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता, मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। प्रबल वर्षा केरल वायनाड रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमान करिथिला भारतीय पानीपाग विभाग। आ सतक सत सेया भी हेला। वायनाड एक पहाड़िया जिला होइथिबा बेले पहाड़ शिखर रु भयंकर भावे माड़ी आसीथिला पानी, माटी पथर खसी आसीथिला। गोटे कि दुईटी नुहे एकाधिक भूस्खलन में बदली जाइछि वायनाड रो भौगोलिक चित्र। अनेक घर द्वार माटी में मिसी जाइछि। सूचना अनुसार 6 किलोमीटर दूर घटनास्थल को बही आसीथिला मृत्युर अतड़ा। मेफाड़ी अंचल रे जंगल तथा जनबसति नथिबा स्थानरु आसीथिला माटी पानी ओ पत्थर अतड़ा। से मृत्युर अतड़ा जनबसति आड़कु जेतिके पाखौथिला तारो बेग सेतिके तीव्र हेउथिला। पहाड़ भली माटी पानी ओ पत्थर अतड़ा एते क्षिप्र गतिर आसीथिला जे केही किछि बुझिबा आगरु सबु किछि छारखार होइ जाइथिला। केही काहाकु साहाज्य करिबाकु समय भी पाइ नथिले, तेरु सबु पानी रे भासी गला। एक फियर है कि अगर दोबारा से ज़ोरदार बारिश होगा तो शायद कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड्स फिर आ सकते हैं, इसीलिए रेस्क्यू टीम्स भी अभी थोड़ा कॉशियसली इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चालू दे रहे हैं और अभी तक 100 से ज़्यादा लोग इसमें विक्टिम हो गए हैं। और इधर थोड़ा फियर है, लोगों को लगता है कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन रिमोट एरियाज में जाएगा शायद ये तादाद जो है डेथ टोल जो है वो ज़्यादा होगा इससे। केरल वायनाड में होता भूस्खलन में प्रभावित होती ओडिया ओडिया डाक्टर विष्णु चिनारा मृत्यु होनी सूचना देखते राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी।
कटक चौद्वार हाउसिंग बोर्डर बासिंदा डाक्टर विष्णु प्रसाद चिनारा गत 26 तारीख में पुआ विष्णु प्रसाद बहु प्रियदर्शिनी पाल एवं अन्य दुई बंधु डाक्टर स्वाधीन पंडा और स्वीकृति महापात्र वायनाडर लिंड्रा भिलारे थिबा समय रे भूस्खलन होइतिला एथिरे विष्णु प्रसाद निखोज हो जाइथिले। ओडिशार चारिजण ई माटी धसळारे प्रभावित होइतिले सेथिरु दुईजण मिसिंग थिले से दुईजण मिसिंग थिले डॉक्टर विष्णु प्रसाद चिनारा से जड़े मिसिंग थिले आउ डॉक्टर स्वाधीन पंडा से मध्य मिसिंग थिले। विष्णु प्रसाद चिनारांकर मृतदेह मिलिथिबार सूचना आम मानक मिली एवं तांकर वाइफ से मध्य प्रभावित होते चिकित्सा श्रीमती प्रियदर्शिनी पाल तांकर चिकित्सा चली से स्वाभाविक अच्छा स्टेबुल अच्छा। केरल विभीषिका छाती थराई प्रकृतिर प्रकोप में असहाय हो पड़ी मनीष पलटि जावस एवं खाली भगवान से ही देश में केवल से ही भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। केरल भूस्खलन सारा देश को स्तब्ध कर तेबे एठारे काहेकि होउछि भूस्खलन ए प्रश्न निहाती आपणक मनरे आंदोलित होउथिबो कारण प्राय प्रति वर्ष केरल डे एमिति किछि ना किछि प्राकृतिक विपर्जयर सामना करुछि गॉडसोन कंट्री। स्पेशल रिपोर्टरो एहि रिपोर्टरे चालंतु देखिबा काहेकि केरल डे होउछि भूस्खलन। पश्चिम घाटर पर्वत मध्यरे अवस्थित सबुज स्वर्ग भाव जनाशुना वायनाड पाश्चात्य घाटगुड़िक हेउछि भारतर पश्चिम उपकूल में अवस्थित एक पार्वत्य सीमा। यह 6 राज्य दे जाइछि केरल कर्णाटक गोआ महाराष्ट्र गुजरात एवं तमिलनाडु। यार मोट लंब प्राय 1600 किलोमीटर। यार मोट दैर्घ्यर प्राय 40% केरल में पड़े। प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण केरल यार भौगोलिक कारण प्राकृतिक विपर्यर शिकार हुए। केरल सरकार 2019 रिपोर्ट अनुजाई समुद्र उपकूल तथा पाश्चात्य घाटर खाल जो राज्य प्राकृतिक विपर्यर सम्मुखीन हुए। समुद्र उपकूल निकटवर्ती जो एठारे बन्या हेउछि सबुठारु साधारण प्राकृतिक विपद। रिपोर्ट अनुजाई राज्यर 14% बन्या परिस्थिति अधिक रहिछि। केतक क्षेत्र में यह संख्या 50% पर्यंत रहिछि। साइक्लोनिक झड़रु मध्य राज्य विपदरे रहिछि। विशेषकर एप्रिल मे एवं अक्टोबर मासरे एठारे बहु संख्यक वज्रपात घटना मध्य रेकर्ड करा जाइछि। विशेषज्ञों अनुसार अरब सागर में प्रबल गरम फल घन बादल सृष्टि होता है। घन बादल किसी समय पर प्रबल वर्षा होता है। प्रबल वर्षा फल पहाड़ माटी धसी थाए। पश्चिम घाटर 1500 वर्ग किलोमीटर अंचल भूस्खलन होता है। वायनाड समेत कोझिकोड इडुकी एवं कोट्टायम जिला अंतर्भुक्त। मौसुमी समय प्रबल वर्षा हेतु माटी परिपूर्ण हो जाए और प्रबल मात्रा भूस्खलन होता है। देशर सबुठ 30 संवेदनशील जिला मध्य रही है वायनाड। विश्वर जैव विविधतार 8 हॉटस्पॉट मध्य पश्चिम घाट होतम। जलवायु परिवर्तन फल पश्चिम घाट में एवं अधिक मात्रा रे भूस्खलन होता आकलन कर। जो अंचल रही भू मैंने समुद्र पतन ठार पाखापाखि 1000 मीटर कि अधिक उच्चतार रही है। यह सहित आम जी देखा तार जो समय भूस्खलन होता तार ठीक 24 घंटा कि 36 घंटा पूर्व आम पाखापाखि रेनफल रेकर्ड कर 200 मिलीमिटर और तापर्त समय फोरकास्ट रही पाखापाखि 100-200 मिलीमिटर तेज आम कहीपर जो 48 घंटे आक्युमुलेटेड रेनफल मैंने टोटाल आम जो बृष्टिपात होता ताखापाखि 400-500 मिलीमिटर वर्षा था तो जहाँ फल कहींपर लैंडस्लाइड इवेंट। अनेपटे पाश्चात्य घाटगुड़िकर खाल अच्छी
ଏବଂ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ମାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ତୁଳିତ ମାଟି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମାଟିର ମାଟି ଯେହେତୁ ଏତେ ଆମର ଓଦା ହେଇକି ଥିଲା, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ସେଇ 500 mm ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେ ତାକୁ ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଆମର ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କରାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଆମର ପାଷ୍ଟ 48 hour ରେନ୍ଫଲ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ରହିଛି ମିନ୍ ସି ଲେଭେଲ୍ର ତା'ର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ତା'ର ଯେମିତି ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କେରଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପଛରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ସ୍ଲୋପ୍ ଫେଲର୍, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ମାଟିର ଗଭୀରତା, ଭୂମିକମ୍ପ, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଖଣି ଖନନ, କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ନେଇଯିବା ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍, ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଥରହର କରିଦେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିଛି ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ତଥ୍ୟ। ହମାସ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆ ନିହତ। ତେହେରାନରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ହମାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ଇସ୍ରାଏଲର ହାତ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। 2023 October 7 ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଥିଲା ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆଙ୍କର ବଡ଼ ହାତ। ସେବେଠୁ IDF ଟାର୍ଗେଟରେ ସେ ଥିଲେ। ଏପଟେ ହମାସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିହତ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ 24 hour ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। କାରଣ ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ହମାସ ମୁଖ୍ୟ ନିହତ। ହାନିଆଙ୍କୁ ମାରିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ। 2023 October 7 ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ଇସ୍ରାଏଲ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ହମାସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିବା ବେଳେ ହମାସ ପାଇଁ ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆ। ଏବେ ହମାସ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇରାନ ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ହମାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାପରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ପୁରା ହମାସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇରାନର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ତେହେରାନ ଯାଇଥିଲେ ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବହୁ ଇରାନ ନେତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯେଉଁଥିରେ ଇସ୍ମାଇଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇସ୍ମାଇଲର ନିହତ ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ଏପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜଶ୍ନ ମନେଇବା ବେଳେ ଇରାନରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ଇରାନରେ ବସିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଗାମୀ 24 hours ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଟାକ୍ର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଇରାନ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ ପାଇଁ ତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆସି ପାଖାପାଖି 150 meters ଦୂରରେ ତା'ର କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା, ଯେଉଁ IRGS କ୍ୱାର୍ଟର, ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ IDF ଏବଂ ମୋସାଦକୁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଟାର୍ଗେଟରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆ। ଗାଜାରେ ହମାସକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। 2023 October 7 ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ।
पालेस्टाइन बाहरे रहुथले इस्माइल हानिया हेले नुआ राष्ट्रपतिंक शपथ ग्रहण समारोह रे शामिल हेबाकु आसिथले औ एहरो सुजोग नै आक्रमण होथिला। एही आक्रमण पई केही निजकु दायी करिनथिले मध्यो एहा पछरे इजराइल हात थिबा अनुमान करा जायछि। इजराइल रो हात थिबा ईरान अभिजोग करिछि कारण इजराइल रो मोस्ट वांटेड लिस्ट रे थिले हानिया। पूर्वरु हानियांको तीनि पुअंकु एयर स्ट्राइक जरिया मारि दिया जाइथिला। हानियांको निहत परे इजराइल ओ हमास मध्यरे युद्ध आहुरी भयंकर हेबा नै अनुमान करा जाउछि। हानियार मृत्यु परे इजराइल रे अलर्ट जारी करा जाइछि। 24 घंटा पई एयर स्पेस बंद करिछि इजराइल। बेंजामिन नेतान्याहू स्थिति उपरे कड़ा नजर रखिछन्ति। इजराइल कहिछि इस्माइल हानियार मृत्यु परे एबे विश्वको टिके शांति मिलिछि। नेतन्याहू जो पण करिथिले तांकर सिटीजन मानक आगरे जे निश्चिन्न नहला पर्यंत युद्ध चालू रहिबो जोथरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट रे मध्य से खातिर करनथिले जोथरे अमेरिका मध्य जेतेबेले डिनाय करथिला युद्ध करिवा पई सेतेबेले मध्य से ता कथा माननथिले। तेनु आजि इजराइल रो गोटे बड़ सक्सेस हेछि जेतेबेले हानिया रो निहत हेछि एवं ए निहत पछरे प्रकृत तथ्य या मोसाद जो सिक्रेट एजेंसी समान जो टारगेट करथिले गेस्ट हाउस को वास्तविकता आज सक्सेस हेछि किंतु युद्धर परिभाषा आगामी दिन में कौन हम ता देखा बाकी रही। युद्ध में हमास को बड़ क्षति सहवाक घटे। 7 अक्टोबर पर हमास पांच रु तीन बड़ नेता मृत्यु होईडीएफ टार्गेट में बर्ती जाता आउ दुई बड़ नेता नेतान्याहू को शत्रु को निपात करने बड़ योजना इजराइल डिफेन्स फोर्स एपटे इस्माइल को मृत्यु पर युद्ध आहुरी तीव्रतर होने अनुमान करा कारण इस्माइल को मृत्यु को नहीं प्रतिक्रिया प्रकाश कर बहु संगठन और किसी देशर मुख्य। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। युद्ध आरंभ हेबा परठारु इजराइल हानिया को खोजुथिला। गाजारे थिबा सुरंग भितरे मध्य से किछि दिन लुचि रहितिबा कोहा जाय। इस्माइल हानियांको मृत्यु परे प्रधानमंत्री नेतान्याहूंकर हमास निपात अभियान एक प्रकार निश्चित हो जाइछि। सेपटे किंतु हानियांको मृत्यु को नहीं किछि भी पदक्षेप नै पारे। आउ ईरान जदि इजराइल उपरे राग सुझाइबा पई आक्रमण करे तेबे विश्वयुद्ध हेबा थय। आज तो समय होइछि स्पेशल रिपोर्ट को एट रखिबा। नमस्कार।